डुअल्स रेस प्लस जो कि बनाया जाता है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल एलटीडी के द्वारा बनाया जाता है। लिवोसल्बुटामोंट 1.25 एमजीएन, इप्राट्रोपियम 500 एमसीजी रहता है और ये पांच इसके अंदर रहता है, जिसका एक का एमआरपी 38.25 रुपीज़ रहता है और पांच का एमआरपी 175 रुपीज़ रहता है। ये सॉल्यूशन जो कि ट्रीटमेंट करता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ और अस्थमा और ब्रंकाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे ले पीने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ड्यूज रेस प्लस जो कि बनाया जाता है सन फार्मास्यूटिका इंडस्ट्रियल एलटीडी के द्वारा बनाया जाता है। लिवोसल्बुटामोल्स 1.25 एमजी एंड इप्राट्रोपियम 500 एमसीजी रहता है और 38 रुपीज़ का ये 2.5 एमएल का एक रेस प्लस रहता है और पांच रेस प्लस का एमआरपी 175 रुपीज़ रहता है और ये ट्रीटमेंट करता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का, सीओपीडी, अस्थमा और ब्रैंकाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको डॉक्टर की सलाह से नहीं पिला ज़्यादा ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि मुंह में सूखापन, कफ, ट्यूमर, हेडेक वगैरह हो सकता है। तो जब भी इसको पिलाए तो डॉक्टर की सलाह से पिलाए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना पिलाए और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात करो तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, लिवोसल्बुटामाइन एंड इप्राट्रोपियम। लिवोसल्बुटामाइन एक ब्रोंकोडाइलेटर है और इप्राट्रोपियम एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि रिलैक्स करता है मसल्स को और एयरवेज को वाइन कर देता है, जिससे ब्रीथिंग में वह इजी होता है। तो ऐसे काम करता है ये सॉल्यूशन। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।